आपने हमें कितना तंग किया बताएं जरा, कितना शाला तंग किया, इतना शाला तंग किया, हमें हंसी नहीं आ रही थी, हमने शूट पे बहुत रोया है और हमने एक शीन कितनी दफ़ा किया है बहुत टाइम बाद। उई तबीयत भी ठीक नहीं है बेबी की और लोना भी बहुत आता है ना, बहुत शाला। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रेंड्स विद अबील। और आज की वीडियो में हम देख रहे हैं कि एक मैंने बेसिकली कमर्शियल किया है वो है डायपर का, और डायपर का शूट कितना मुश्किल हो सकता है या कोई बच्चे के साथ शूट कितना मुश्किल हो सकता है, आइए आपको दिखाते हैं इस वीडियो में। इस कमर्शियल में सबसे बड़ा टास्क जो था वो मेरे लिए ये था कि मेरे पास था 8 मंथ्स का बेबी और उसको मुझे हर सूरत अपने से हिलाना था कि वो मेरे पास आ भी जाए, मेरे साथ बिल्कुल सेट रहे और जो हम शॉट्स चाह रहे हैं खुशी होने के, एक मदर की फ़ील जो बेबी के साथ आ जाए, वो सारे फ़ील जो करानी थी एक्चुअली वो इस पूरे कमर्शियल में चाहिए थी। तो मैं कोशिश कर रही थी कि बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करूं, ऑल्दो हम शूट ना भी कर रहे हैं तो भी बेबी मेरे पास रहे ताकि जो वो फील है या वो मुझसे अटैच्ड हो जाए, ये बस मैं चाह रही थी। अब ये वाला जो शॉट है इसमें आप देख रहे हैं कि मैं बेबी को गोद में लेकर, इसमें ये दिखाना था कि बच्चा खुश है, मामा के साथ है अपने और हिला रहे हैं, लेकिन ये शॉट इतना आसान नहीं था। जब कमर्शियल चलेगा आप कहेंगे वाओ ये तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन इस शॉट में जो मैंने परेशानी देखी और फेस की वो ये थी कि इस टाइम पर बच्चे को आ रही बहुत शदीद तरीन नींद, इतनी कि शायद मैंने इसको ज़रा सा अपना शोल्डर से क्या लगाना था और इसने आँखें बंद करा था थोड़ी देर में। अब मुझे इसको एक्टिव करना था, एक्टिव करेंगे तो उसके फेस पर एक्सप्रेशन आएंगे और ये तमाम चीज़ें होंगी। तो ये शॉट हमने, मैं आपको दिखाऊं तो ये शायद 1-2 दफ़ा मेरे पास शूट हुआ है, लेकिन ये हमने कोई 15 से 18 बार शूट किया है। लिटरली बच्चा बहुत ज़्यादा वो रहा था और एक टाइम पर वो लास्ट शॉट में सो ही गया। तो उन्होंने कहा अब ये जो पीछे जितने भी शॉट्स हैं उसमें से कुछ कहीं कुछ निकल आएगा तो हम कर लेंगे। मैं और बीबी है यहाँ पर, बीबी अभी नहीं मुंह में नहीं। ओफ, ये जो बेबी को वॉक कराने वाला शॉट था ये मेरे लिए कोई एक बहुत मुश्किल था, क्योंकि इस टाइम तक ये हमने कोई लास्ट में या सेकंड लास्ट शॉट था जो मैं शूट कर रही थी और रात के कोई आई थिंक 11 या 12 के कुछ लगभग टाइम होने वाला था और तब तक मेरी बैक शदीद दुख चुकी थी और मैं पहले 2 पैनाडॉल खा चुकी थी, फिर मैंने 2 घंटे के गैप से ही 2 पैनाडॉल और खा ली क्योंकि इस टाइम तक मेरी बस हो चुकी थी और मैं झुके या बच्चे को गोद में लिए मेरे आर्म्स दुखने लगे थे। हालांकि देखें बीइंग अ मदर मेरे दुखने नहीं चाहिए कि मैं भी अपने बच्चे पाल चुकी हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों शायद एक कंफर्ट लेवल नहीं होता। आप जब शूट पर होते हैं आप खुद भी रेडी हुए हैं, आप अपने आप कपड़ों का भी ध्यान रख रहे हैं कि ऑब्वियसली ये ड्रेस ख़राब नहीं होने चाहिए और पता नहीं क्यों बस मैं रेडी हुआ है, मेकअप हुआ है वैसी, और फिर आपको कोई कंफर्टेबल कोई बेड वगैरह तो अवेलेबल नहीं है जिस पे आप बैठ जाएं, लेट जाएं, कुछ कर लें। लेकिन भाई ये एक बहुत मुश्किल था, झुके बच्चे को मेरी तरफ देखना नहीं था, इसमें बच्चा देख के मुझे मेरे पास हैप्पी हो, तो मुझे एक बहुत ही फ़नी से ग्लासेस दिए गए थे ताकि वो मेरी तरफ देखे और वो मेरे साथ जो है वॉक कर ले। फिर वो जी वॉक मेरे करने से वो मुतमईन नहीं हुए कि मैं आगे करके वॉक करा रही हूँ। तो यही शॉट जब हमने 20 दफ़ा कर लिया फिर उनको रियलाइज़ हुआ नहीं ये आगे नहीं होना चाहिए, मामा पीछे आएंगी तो ज़्यादा बेहतर शॉट आ रहा है। फिर जी मैं वापस पीछे गई, पीछे जाके मैंने वो 20 दफ़ा और किया, फिर जाके वो फाइनल हुआ। इस शॉट में आप देख रहे हैं कि बेबी क्रॉल करके मेरे पास आ रहा है। अब सोचें ज़रा कोई बच्चा जिसकी माँ ना हो सामने हो वो और उससे वो एक ही दिन मिला हो या कुछ घंटे पहले ही मिला हो और उसके पास क्रॉल करके क्या आएगा, वो भी हैप्पी होके हंसते हुए। तो ये शॉट दिखाना था इस कमर्शियल में कि वो बहुत खुशी खुशी माँ के पास दौड़ता हुआ ले क्रॉल करता हुआ आ रहा है। अब उसने बिल्कुल नहीं आना था बेबी को मेरे पास क्रॉल करते हुए। आप उसके लिए क्या करें? वो कहें जी अपने पास बुलाया मैंने, जी क्लैपिंग कर ली, हंस के बुला लिया, हर तरीके से बुला लिया, पर वो उसको नहीं आना था मेरे पास। तो इसके बिहाइंड द सीन में आप देखेंगे कि मैंने अपने पीछे मोबाइल रखा और उसमें कोकोमेलन जो बच्चों का बहुत ही फेवरेट होता है, मेरे बच्चों का भी बहुत फेवरेट था इस एज में, तो वो मैंने ऑन किया तो वो सिर्फ इसके साउंड से अट्रैक्ट होके वो मेरे पास दिखाया तो ये जाएगा मेरे पास आ रहा है, ऑल्दो वो मोबाइल लेने मेरे पीछे जो रखा हुआ था उसके पास जा रहा है। इस शॉट में आप देख रहे हैं डायपर लीकेज वाला दिखाना है, लेकिन ये बड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि इस टाइम पे बेबी इतना तेज़ रो रहा था, नोआ नाम था बच्चे का, और वो इतना शदीद रो रहा था, उसको ऑब्वियसली बच्चे को ऐसे सीधा लेटना नहीं था तो उसको रोना बहुत आ रहा था और मुझे डायपर चेक करना था, वो भी लेग्स ऊपर उठानी है उसकी बेचारे की, बच्चे की, और लीक चेक करनी है। अगर आप शॉट में देखेंगे तो बच्चे को बिल्कुल मैंने एज पे बेड पे लिटाया हुआ है और वो शॉट जो हो रहा है वो पोली वहाँ पर लगी है, पोली जो कि एक थर्मापोल होता है उसके वो उसको मैं क्रॉस करके जिस तरह झुक कर वो ट्रैक पूरा बिछा हुआ था उसको पूरा क्रॉस करके मैं भी बहुत देर तक झुकी रही हूँ और वहाँ कोई एक रग टाइप था उसको फोल्ड किया हुआ था उन्होंने क्योंकि वो ट्रैक उसके ऊपर चल नहीं सकता था, उसको फोल्ड किया हुआ था। तो आप देखेंगे मैं भी बड़ा अनकंफर्टेबल झुकी हुई हूँ कि किसी तरह से ये शॉट निकल आए, और बेबी इतना रो रहा था कि हम सारे लोग टेंस हो रहे थे क्योंकि शॉट खाली बच्चे का ही था और वो लीकेज दिखानी थी, लेकिन ये भी हमने पता नहीं कितनी बार शूट किया है। गॉड, अब ये शॉट है जिसमें मैं इसका ना सिर्फ एक डायपर की एक टेप दिखानी थी कि बस ये टेप हमने लगाई है कि कितनी अच्छी टेप है और ये वो सारी तारीफ़ों वाला, लेकिन ये टेप लगाना कोई आसान बात नहीं है। हम माओं के लिए तब बड़ा आसान होता था जी, घर में बड़े आराम से टेप लगा दी और हो गया, लेकिन यहाँ पर उनको शॉट के लिए लेग्स बच्चे की बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए थी जो कि बच्चा रखना नहीं चाहता था उस टाइम पर, उसको स्ट्रेट नहीं रखनी थी। एक तरफ उसकी अम्मा ने लेग सीधी की और वो बेचारा इतना रो रहा था क्योंकि सिर्फ उसे इतना शॉट था कि उसका ज़रा सी बॉडी नज़र आ रही थी जहाँ तक डायपर था, दैट्स इट, और उसकी लेग सीधी करनी है। लेग सीधी करके टेप इस तरह लगानी है कि बहुत सारे हाथ एंगल मेरे दोनों हाथ में यूज़ कर रही थी टेप लगाने के लिए, लेकिन जी टेप ऐसी लगनी चाहिए कि टेप भी विजिबल हो और एक ही हाथ यूज़ हो। मैंने ज़िंदगी में आज तक, अपने दो बच्चे हैं मेरे, उनको मैंने जब लगाई थी उस ज़माने में तो मैंने कभी भी टेप एक हाथ से नहीं लगाई। अब मुझे समझ ही नहीं आया, मैंने कहा भाई दो हाथ से ही लगेगी, अब दो हाथ लगाओ तो वो शॉट में इतना ज़्यादा वो कह रहे हैं कि बहुत हौच पौच हो रहा है। एक कॉम्पैक्ट शॉट है जो खाली डायपर दिखाया जा रहा है, उसमें दो हाथ भी बीच में आ जाएं। ओ गॉड, ये भी एक बहुत डिफ़िकल्ट था। और सोचें इसमें भी मैंने बहुत ही मुश्किल से, इस पर भी मैं झुकी हुई हूँ, वही सेम शॉट जहाँ ट्रैक था फ्लोर पे मेरे बिल्कुल पाँव के पास, कारपेट भी अलग फोल्ड हुआ है, वो एक पोली जो है वो भी रखी हुई है, उसको भी क्रॉस करके इन तमाम चीज़ों को मैं झुक कर फिर बेबी की तरफ आ रही थी। ये आप देखेंगे जो लेट के शॉट है, ये वैसे मुझे बहुत अजीब लग रहा था, यानी कि कैसे शॉट है, लेकिन ये आपको शायद बिहाइंड द सीन में अजीब लग रहा होगा, लेकिन आप वैसे जब रेडी होगा तो आप देखेंगे कि कैमरा में ये बहुत क्लोज शॉट है, हम दोनों के सिर्फ फेसेस हैं। लाइक मामा रिलैक्स हैं, अब ठीक है हमारे पास अच्छा वाला डायपर आ गया है अब, और बेबी हैप्पी है, लेकिन बच्चे को मेरे साथ ऐसे नहीं लेटना था ऑब्वियसली, वो छोटा बच्चा वो बार बार सीधा हो जाए मतलब कि वो क्रॉल करने की पोजीशन में आ जाता है। फिर उसके लिए ऊपर टॉयज़ हैंग किए, वो टॉयज़ हैंग किए जो फिश वायर से शायद आपको बिहाइंड द सीन्स में नज़र आ रहे हो मेरी शॉट्स में कुछ, लेकिन वो जब ये कमर्शियल जाएगा ऑन एयर तो उसमें आपको ये कोई टॉयज़ नज़र नहीं आएंगे। वो बच्चा को यही दिखाना है कि वो बस खेल रहा है लेटे लेटे, और ऊपर जो है उसकी मामा जो है, जो एक्चुअल मामा थी बेबी की, वो मोबाइल पर ऊपर कोकोमेलन वही वीडियोज़ बच्चों की लगा के उसको दिखाने की कोशिश कर रही थी ताकि वो हैप्पी हो जाए। इस शॉट में ये एक और डिफ़िकल्ट यूँ था कि इसको 2 स्टेप चला के मुझे गोद में उठाना था। अब बच्चे को खड़ा ही नहीं होना था, ऑब्वियसली वो 8 मंथ्स का बेबी है, मैं कहूँ खड़े हो तो वो शॉट स्टार्ट वहाँ से होना था, लेकिन उसको खड़े ना, वो बार बार अपनी लेग्स फोल्ड कर दे, बार बार नीज़ पर आ जाए। अब वो शॉट स्टार्ट होने से पहले मैं इसको पकड़ने के लिए बस मैं झुकती हूँ और इतने में वो नीज़ फोल्ड कर देता है, फिर वो थक जाता है, अभी शॉर्ट में कुछ गड़बड़ हो गई, अब कट हो गया, अभी जूम करना था, अभी मास्टर लेना था, तो अभी कुछ और करना था, अभी ये लाइट का प्रॉब्लम है, अभी हमारी ड्रेस का प्रॉब्लम है। मैं जब जब उठाऊँ तो ऑब्वियसली मैं अपनी ड्रेस भी सेट करूँ, मैं बेबी का भी सेट होना है, क्योंकि समटाइम्स जब बच्चे को उठाते थोड़ी सी शर्ट ऊपर नीचे हो जाती है। बट कमर्शियल्स में बड़ी डिटेल होती है, एक एक चीज़ की बारीकी का ख्याल रखते हुए कि भाई उसका ड्रेस बिल्कुल ठीक होना चाहिए, कहीं से ऊपर नीचे ना हो रहा। तो ये मैं तो इस कमर्शियल में भूल ही गई थी कि मेरे अपने भी कुछ लुक्स हैं। सारा टाइम बेबी मेरी गोद में था, बस उसी को ही देख रहे थे, उसी को ही कर रहे थे। और ये शॉट भी हमने एक दफ़ा में तो कोई हुआ ही नहीं है, दो दफ़ा में भी कोई नहीं हुआ, हर शॉट हमने 5 से 10 दफ़ा, और किसी ने तो एक्सट्रीम लेवल क्रॉस किया था, वो 15 से 18 बार भी हुआ है। कुछ प्लेइंग वाले शॉट्स थे जो कि बच्चे को मेरे साथ बैठ के प्ले करना था, लेकिन उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था बच्चे को, क्योंकि वो भी टायर्ड हो चुका था। ऑब्वियसली उसकी भी प्रॉपर नींद नहीं हो पा रही थी। बच्चे जिस तरह से रिलैक्स होकर लाइट्स ऑफ करके खामोशी में सोने की जिस तरह अगर बच्चे को आदत हो, तो ऑब्वियसली वो इतने शोर में लाइट्स ऑन में नहीं, वो प्रॉपर उसकी नींद हो रही थी। तो वो क्रैंकी भी बहुत हो रहा था, उसको रोना भी बहुत आ रहा था, उसको मेरे साथ प्ले भी नहीं करना था। तो ये तमाम चीज़ें थी। और एक में तो मुझे इसको ऊपर ऐसे करके उछाल कर जैसे बेबी को करते हैं, और उसको हंसाना था, लेकिन उसको मेरे से नहीं हंसना था। मैंने हर बार अपना लिया था, और उसके बाद फाइनली कोई एक आध शॉट में वो उसकी कुछ स्माइल आई, तो हमने शुक्र का सांस लिया, और फिर हमने कहा कि ओके फाइनल तो ये शॉट हो सकेगा अब।